ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତ 22 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଗତ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 4 ଥର ଏଭଳି ଶୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ -20 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର। राजधानी दिल्ली के साथ पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पूरी तरह से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सुबह का समय है और इस समय मैं इंडिया गेट पे हूँ। आपको मैं बताऊँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से इंडिया गेट इस समय खाली है। रविवार का दिन है, सुबह के समय भारी संख्या में लोग यहाँ पे घूमने टहलने आते हैं, लेकिन आज इतनी कड़ाके की ठंड है जिसके वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं और कोहरा भी अधिक है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह धुंध देखने को मिल रहा है और अभी भी लोग घरों में डुबके हुए हैं, क्योंकि अब मैं बताऊं कि लगभग 1 सप्ताह से जो है पूरे दिल्ली में जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका सीधा असर लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा है। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और इस समय राजपथ पर जिस तरह से लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या कहीं नहीं दिख रहे, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, इस समय भारी संख्या में लोग टहलते हैं। अगर देखा जाए तो लगातार जो ठंड है इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि जो पहाड़ी राज्य हैं, खास करके उत्तराखंड की बात कीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, यहाँ पे जो बर्फबारी हो रही है इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है और दिल्ली के लोगों पे सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। और जगह जगह पे जो है रैन बसेरा बनाया गया है और अलाव की भी व्यवस्था की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो आज जो है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर कल की बात की जाए तो कल 2.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिल्ली में थी। तो ऐसे में लगातार एहतियात बरतने की बात की जा रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में अभी पारा और गिरेगा और लोगों को ठंड का और एहसास होगा। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली।